एक बार फिर से अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जितने भी लोग जनता दरबार में आते हैं, हम उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश भी करते हैं। वहीं उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। वहीं उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मैं किसी भी प्रकार के अपराधियों के साथ मिली भक्ति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहीं गोहाना से आई महिला की शिकायत पर उन्होंने सोनीपत एसपी को लताड़ भी लगाई। उन्होंने कहा कि जो भी महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उन सभी को पुलिस कप्तान व कमिश्नर प्राथमिकता के आधार पर सॉल्व करे। वहीं आज एक बार फिर से जनता दरबार में फरियादों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारा आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी फरियाद जनता के दरबार में आए हैं, उन सब की समस्याओं को सुना जाए, चाहे किसी के लिए रात के 2 बज जाएं। संसद में अब नया कानून बिल पेश किया गया, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को खत्म करने के लिए पहली बार किसी सरकार ने ये कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अधिकार कानून 1857 की क्रांति के बाद बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं। उन्होंने इस अच्छी बात बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब हिंदुस्तानी कानून बनाया, मुसद्दा लोकसभा में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि अब वो सिलेक्टेड कमेटी पर चले गए और अपना समय लेने के बाद वो सिलेक्टेड कमेटी में आएंगे और हिंदुस्तान के कानून जो शासन व्यवस्था होगी हिंदुस्तानी परिस्थितियों के अनुरूप होगी, हिंदुस्तान के कानून होंगे उसके अनुसार अब कानून व्यवस्था चलाई जाएगी। और जितने भी लोग आते हैं, हम उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। पुलिस वालों को नहीं, बिल्कुल किसी भी प्रकार से सारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन रखना और किसी भी प्रकार का अपराधियों के साथ मिली भगत जो है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैंने पहले कह भी दिया था और पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए, जो भी अब ये महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर सभी जो पुलिस कप्तान हैं और कमिश्नर्स हैं, उनको उसको प्राथमिकता के आधार पर उनको सॉल्व करना चाहिए। क्या हमारा अभी तक का ये नियम रहा है कि जितने भी लोग आ जाते हैं, हम उन सब की बात सुनते हैं, चाहे रात के 2 बजते हैं। अभी तक तो हमने यही किया है और जो भी लोग आए हैं, हम सब की बात को सुनेंगे। मुझे तो बहुत खुशी है कि अंग्रेजों के बनाए हुए समय के कानूनों को ख़त्म करने के लिए पहली बार किसी सरकार ने ये कोशिश की है कि उनके स्थान पर जो बनाए गए हैं, ये अधिकतर कानून 1857 की क्रांति के बाद बनाए गए थे। पुलिस एक्ट भी उसके बाद ही बना था, CRPC, IPC सब उसके वक़्त ही बने थे और वो अंग्रेजों के बनाए हुए ही कानून हैं और कई तो हास्यास्पद है। तो ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब हिंदुस्तानी कानून बनाने का जो मसौदा है वो लोकसभा में पेश किया है। अभी वो सेलेक्ट कमेटी को चले गए और अपना समय सेलेक्ट कमेटी लेने के बाद वो आएंगे और हिंदुस्तान के कानून जो शासन व्यवस्था होगी हिंदुस्तानी परिस्थितियों के अनुरूप होगी, हिंदुस्तान के कानून होंगे, उसके मुताबिक अब कानून व्यवस्था आगे की चलाई जाया करेगी। देखिए, ये तो लोकसभा और राज्यसभा के मामले होते हैं, इनके अधिकार तो उनके जो अंदर के लोग होते हैं उन्हीं को ही होता है, उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना उचित बात नहीं होता। उन्होंने समझा होगा कि इनको सस्पेंड करना चाहिए तो उन्होंने किया।